गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस क्लास। इन दिस क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 9। इन लास्ट क्लास वी डिड द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इन टुडे क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। बिफोर डूइंग दिस वर्क वी विल रिवाइज द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। सबसे पहले आपका MCQs है, चूज करेक्ट ऑप्शन है आपका। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वेयर व्हाइल वर्किंग इन द किचन। आप किस टाइप के क्लॉथ्स जो है पहनेंगे जब आप किचन में वर्क कर रहे होंगे। ऑप्शन आपके हैं नायलॉन क्लॉथ्स, टेरिलिन क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ, लूज क्लॉथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है कॉटन क्लॉथ। ओके, जब भी हम किचन में वर्क करते हैं तो हमें कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। वी बस्ट फायर वर्कर्स और क्रैकर्स ऑन द डे ऑफ। हम जो फायर वर्क्स हैं, हमारे जो पटाखे हैं, हम कब बस्ट करते हैं, कब चलाते हैं। ऑप्शन इज होली, दिवाली, ओनम, पोंगल। तो कब हम अपने फायर वर्क्स को बस्ट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज दिवाली। फॉर रिपेयरिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड फ्यूजेस ऑन शुड कॉल। हम अपने घर के रिपेयर करने के लिए स्विच और फ्यूज को किसको बुलाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रीशियन। मैकेनिक है, मैकेनिक तो हमारे घर के जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको ठीक करते हैं। प्लम्बर नल ठीक करता है। कारपेंटर हमारे फर्नीचर से रिलेटेड वर्क करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रीशियन। वन शुड फ्लाई काइट्स। अगर किसी को काइट फ्लाई करने हैं तो क्या करेगा। ऑन द रूफ ऑफ हाउस, घर की छत पर जाएगा। ऑन द रूफ ऑफ फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड की हाउस पे घर की छत पे जाएगा। ऑन द रूफ्स ऑफ नेबर्स हाउस, या अपने पड़ोसी के घर की छत पर जाएगा। लास्ट ऑप्शन इज इन एन ओपन ग्राउंड, या खुले मैदान में जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज इन एन ओपन ग्राउंड। नंबर 5, क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल इज। हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए जब सिग्नल होता है। ऑप्शन इज रेड, येलो, ग्रीन, नॉट वर्किंग। करेक्ट ऑप्शन इज ग्रीन। जब ग्रीन सिग्नल हो जाता है तो आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए। रेड स्टॉप होने के लिए कहता है, येलो रेडी होने के लिए कहता है, ग्रीन गो यानी आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिलप्स। वन मस्ट डैश ऑन वन वर्क एट वन टाइम। वन मस्ट मतलब कि हमें एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए, यानी हमें अपना क्या रखना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट रखना चाहिए अपने वर्क पर। तो यहाँ जो वर्ड आएगा वो आएगा आपका कॉन्सेंट्रेट। ऑलवेज यूज अ डैश क्लॉथ टू हैंडल हॉट अटेंसिल्स। तो हमें अपने जो हॉट अटेंसिल्स हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए आपको क्या कैसे कपड़े का यूज करना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट वर्ड आएगा कॉटन। कॉटन क्लॉथ हमें यूज करना चाहिए हैंडल करने के लिए हॉट अटेंसिल्स को। A bucket of dash and dash should be placed nearby the place where one is going to burst the cracker. हमें जब पटाखे चलाते हैं तो अपने पास में क्या रखना चाहिए। वन बकेट ऑफ वाटर एंड सैंड, यानी एक बकेट जो है पानी की और एक बकेट सैंड की रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अ क्लास रूम इज नॉट अ प्लेस टू डैश। क्लासरूम आपका क्या चीज का प्लेस नहीं है। प्ले यानी वहां पे आप सिर्फ स्टडी कर सकते हैं, प्ले यानी खेलने का कोई प्लेस नहीं है। ऑलवेज वॉक ऑन द डैश व्हाइल ऑन रोड। तुम्हें जब रोड पे चल रहे होते हैं तो कहाँ पे चलना चाहिए। यस, फुटपाथ। करेक्ट ऑप्शन इज फुटपाथ। नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सही है बोल रहा है और कौन फॉल्स यानी झूठ है। वी शुड प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड। हमें मिडल यानी बीच में, रोड के बीच में प्ले करना चाहिए। नो, इट्स नॉट करेक्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इट इज डेंजरस टू बर्स्ट फायरवर्क्स इन एन ओपन एरिया। ओपन एरिया में फायरवर्क्स को बर्स्ट करना, चलाना डेंजरस होता है। नो, हमें ओपन एरिया में ही अपने फायरवर्क्स को बर्स्ट करना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। सो वी राइट हियर फॉल्स। प्लेग्राउंड इज अ प्लेस टू फाइट विद वन अनदर। प्लेग्राउंड एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं
नो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो करेक्ट ऑप्शन है कि हम वहां पे खेलते हैं, खेलने के लिए जाते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. हमें अपना जो रोड है वो जेब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस करना चाहिए. यस इट इज करेक्ट. हम जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है वहीं से आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए. ठीक है, आप अगर रोड के दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए. इट इज फन टू फ्लाई काइट्स फ्रॉम द रूफ्स ऑफ अ हाउस. इट इज फन यानी ये अच्छा है, इसमें हमें इंजॉय करते हैं अगर हम घर की छत पर काइट को फ्लाई करते हैं. नो हम नीचे गिर सकते हैं. हमें हम फ्लाई काइट को जब आप उड़ा रहे होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप नीचे भी आ सकते हैं और ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है. सो इट इज नॉट करेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. वी राइट हियर फॉल्स. नेक्स्ट आपका मैचिंग था, हमने जो किया था वर्क शार्प ऑब्जेक्ट्स शुड. शार्प ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, शार्प ऑब्जेक्ट को कैसे करना चाहिए. शुड मीन्स चाहिए. बी हैंडल विद केयर, हमें बहुत ही केयर के साथ उसको हैंडल करना चाहिए. मेडिसिन शुड नॉट बी कैप्ट इन डैश, किसके साथ कैसे नहीं रखनी चाहिए, अनलेबल बॉटल में नहीं रखनी चाहिए. यानी वो जिस भी बॉटल में आप रखते हैं या जिस भी शीशी में आप रखते हैं उसके ऊपर लेबल लगाना चाहिए, जिससे कि आपको यूज करने से पहले पता रहे कि आप किस चीज की मेडिसिन यूज कर रहे हैं. बेड स्टेयर्स आर, बेड स्टेयर्स यानी गीली सीढ़ियां क्या होती है, स्लिपरी होती है. यानी आप अगर गीली सीढ़ियों पे जहाँ पे पानी है जाएंगे स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं, आपको हार्म हो सकता है. इट इज नॉट सेफ टू प्ले, ये सेफ नहीं है प्ले मतलब खेलना. क्या चीज आपका करेक्ट ऑप्शन है, बेयर फीट यानी नंगे पांव आप अगर खेलेंगे, खेल के मैदान में जाएंगे तो आपके पैर में कुछ चीज चुभ सकती है, चोट लग सकती है और आप आसान अच्छे तरीके से आप अपने जो भी गेम खेलना चाहते हैं वो नहीं खेल पाएंगे. इट इज नॉट सेफ टू प्ले बेयर फीट यानी नंगे पांव नहीं आपको खेलना चाहिए, वो सेफ नहीं है. व्हाइल क्रॉसिंग द रोड यूज जेब्रा क्रॉसिंग, जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं रोड को तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए. ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, हमेशा आपको अपने बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए जब आप क्या कर रहे हो. यस व्हाइल बस्टिंग क्रैकर्स. तो ये तो था लास्ट क्लास में हम रिवीजन जो हमने किया था. नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन में सेफ्टी रूल्स के बारे में पूछा हुआ है, स्टेयर्स पे हम सेफली कैसे चल सकते हैं, थ्री थिंग्स बतानी है जिसमें कि हम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं क्लासरूम में, और हाउ डू यू वॉक सेफली ऑन द रोड, उसका टू पॉइंट्स देने हैं हमें, हाउ शुड यू हैंडल फायरवर्क्स और हमें फायरवर्क्स को कैसे हैंडल करना चाहिए. सो स्टूडेंट ओपन योर बुक एंड नोटबुक. We will complete this work in next video. Thank you.